जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग NTAGC नेट इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 14 दैट इज स्पीच ऑप्शन टू एलिजाबेथन एजेस का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने कुछ MCQs डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा। ओके, बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट एसेस हु वंस सेड दैट द वर्नाकुलर्स वुड वन डे प्ले द बैंक्रप्टसी बुक इज, एंड द ऑप्शन आर जॉनसन, वॉल्टर रेले, बैकन, स्टील। एंड द राइट आंसर इज बैकन। जो महान एसेस थे जिन्होंने कहा था कि वर्नाकुलर्स वुड वन डे प्ले द बैंक्रप्टसी बुक्स। वर्नाकुलर्स दैट इज द लैंग्वेज ऑफ डायलेक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन। जो एक जगह है उस जगह पर पार्टिकुलर एक जो जाति है उन लोग एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, दैट लैंग्वेज इज पार्टिकुलर वर्नाकुलर। ओके, तो वो लोग जो है वर्नाकुलर्स क्या करेंगे, एक दिन बुक्स को इतना ना पढ़ेंगे कि पूरा बैंक्रप्ट कर देंगे। जैसे बैंक्रप्ट करते हैं ना, वैसे उन लोग बुक्स पढ़ के पूरा बैंक्रप्ट कर देंगे। तो इस तरह का सेंटेंस किसने कहा था, तो बैकन जी ने कहा था। ठीक है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज, एंड द ऑप्शन आर जॉन लिली, थॉमस मैलोरी, फ्रांसिस बैकन, जॉन ड्राइडन। द राइट आंसर इज जॉन लिली। कि कौन हमारे बहुत ही अच्छे स्टाइलिस्ट थे, ग्रेट स्टाइलिस्ट थे इंग्लिश प्रोज के, तो वो कौन थे, लिली जी थे। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्टर रेले रोट हिज बुक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइल, एंड ऑप्शन आर ऑन एक्सप्लोरेशन, इन प्रिजन, सर्विंग क्वींस आर्मी, वाइल स्टडिंग। द राइट आंसर इज इन प्रिजन। वॉल्टर रेले जी ने बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कब लिखा था, जब वो जेल में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकन्स नॉवल न्यू अटलांटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शन आर रोमांस फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन, साइंस फिक्शन, रिलीजियस फिक्शन। द राइट आंसर इज साइंस फिक्शन। बैकन जी का जो नॉवल है न्यू अटलांटिस, ये साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैकन्स न्यू अटलांटिस द प्लेस वेयर साइंटिस्ट डिवोट देमसेल्व्स टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इज, एंड द ऑप्शन आर वेम्बरली, सोलोमन्स हाउस, रॉयल सोसाइटी, स्पेन। राइट आंसर इज सोलोमन्स हाउस। जो बैकन जी का जो न्यू अटलांटिस है, इसमें जो प्लेस वेयर साइंटिस्ट, जो जगह जहाँ पे साइंटिस्ट लोग अपने आप को यूज़ करते थे काम करने के लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ वो काम करते थे, डिवोट करते थे, वो जगह क्या था, तो सोलोमन का घर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नॉवेल द न्यू अटलांटिस व्हाट फेमस एक्सप्लोरर हैज़ अ स्टैच्यू इन वन ऑफ द गैलरीज। ऑप्शन आर गैलीलियो, वास्को डी गामा, कोलंबस, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज कोलंबस। नॉवल जो है न्यू अटलांटिस बैकन जी का, उसमें फेमस एक्सप्लोरर का एक स्टेचू दिया हुआ है, तो कौन है वो, कोलंबस जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोवम ऑर्गेनम इज ए बुक रिटन बाय, एंड द ऑप्शन आर थॉमस डेलोनी, थॉमस वेटसन, बैकन, वेटसन। द राइट आंसर इज बैकन। नोवम ऑर्गेनम जो है किसने लिखा है, तो बैकन जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर वॉल्टर रेले's लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड, एंड द ऑप्शन आर फाइट अबाउट द आइसलेट ऑफ द एजोर्स, डिस्कवरी ऑफ द एम्पायर ऑफ गिना, द पिलग्रिमेज, ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। वॉल्टर रेले जी का जो बुक है वो उसमें क्या एक्सप्रेस किया गया हुआ है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ही एक्सप्रेस किए गए, यूज़ किए गए। ठीक है, फ्लाइट अबाउट द आइसलेट ऑफ एजोर्स, डिस्कवरी ऑफ द एम्पायर ऑफ गिना एंड द पिलग्रिमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस डेलोनी डेडिकेटेड हिज नॉवेल्स टू, एंड द ऑप्शन आर क्वीन एलिजाबेथ, टू हिज फैमिली, द फेमस रिवर्स इन इंग्लैंड, टू रिलीजियस ऑस्पिटिस। राइट आंसर इज द फेमस रिवर्स इन इंग्लैंड। जो डेलोनी जी हैं उन्होंने अपने नॉवेल्स में क्या लिखा हुआ है, क्या इस डेडिकेट किया है, किसको डेडिकेट किया है, द फेमस रिवर्स ऑफ इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड के जितने भी सिलाई करने वाले थे ना फेमस, उनको डेडिकेट करके उन्होंने लिखा है अपने नॉवेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैकब न्यूबरी एंड जेंटल क्राफ्ट रियलिस्टिकली डिपिक्ट कंटेम्प्रेरी बर्जेस लाइफ, एंड इट वॉज रिटन बाय, एंड द ऑप्शन आर थॉमस नेश, लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस डेलोनी। राइट आंसर इज थॉमस डेलोनी। जैकब न्यूबरी और जेंटल क्राफ्ट रियलिस्टिकली जो उन्होंने क्या किया हुआ है, जो मिडिल क्लास पीपल है ना उनकी लाइफ को डिपिक्ट किया है, एक्सप्रेस किया है, तो किसने लिखा है, तो डेलोनी जी ने लिखा है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क वॉज नॉट कम्पोज इन 1513, एंड ऑप्शन आर बैलेड ऑफ स्कॉटिश किंग, कैंटरबरी टेल्स, ट्रांसलेशन ऑफ एनिड, यूटोपिया। द राइट आंसर इज ट्रांसलेशन ऑफ एनिड। जो कौन सा वर्क है जो कि मतलब 1513 में नहीं लिखा गया था, नहीं कम्पोज हुआ था, तो वो है ट्रांसलेशन ऑफ एनिड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिजन्स डिवॉल्व अकॉर्ड इन द ईयर एंड ऑप्शन 1521, 1381, 1348, 1415. द राइट आंसर इज 1381. 1381 में पिजन्स डिवॉल्व स्टार्ट हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लेट 14th सेंचुरी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हैज शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच टू विच लैंग्वेज एंड ऑप्शन आर लैटिन, फ्रेंच, मिडिल इंग्लिश, ग्रीक. राइट आंसर इज मिडिल इंग्लिश. तो 14th सेंचुरी के लास्ट में जो कोर्ट का लैंग्वेज था वो शिफ्ट हो गया था एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच से मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ चॉस्टर हैज बीन कॉल्ड ए नॉवल इन वर्स फॉर्म एंड ऑप्शन आर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, बुक ऑफ द डचेस, ट्वाइलाइट एंड क्रेसिड. एंड द राइट आंसर इज बुक ऑफ द डचेस. जो चॉस्टर जी का जो पोएम है इसमें से कौन सा जिसे वर्स फॉर्म में नॉवल के हिसाब से कहा गया है. ठीक है, तो वो है बुक ऑफ द डचेस. तो जो पोएम है इसे नॉवल के रूप में रखा गया है इन वर्स फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रोमांस पीरियड एंड द ऑप्शन आर किंग आर्थर, वॉर ऑफ ट्रॉय, एलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑल ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. जो रोमांस पीरियड में कौन कौन है तो सभी के सभी रोमांस पीरियड में ही हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोमांस साइकिल ऑफ रोम टॉक्स अबाउट एंड द ऑप्शन आर हीरोइज्म ऑफ जेंसन, द रिलायंट, प्रिंस ऑफ एलेक्जेंडर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय, आर्थर, लेजेंडरी, नाइट्स ऑफ राउंड टेबल. एंड द राइट आंसर इज डीड्स ऑफ एलेक्जेंडर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय. तो रोमांस हमारा जो साइकिल ऑफ रोम है इसमें क्या बातें कही गई है, तो डीड्स ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर ने जो करी है उनकी डीड्स को, उनके किए हुए काम को, एंड फॉल ऑफ ट्रॉय को. ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करते हुए साइकिल ऑफ रोम का लिखन हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द ब्लैक दैट रिजल्टेड इन टू एंड द ऑप्शन आर लॉस ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज वेजेस, बेटरमेंट ऑफ द पुअर, बेटरमेंट ऑफ द रिच, एंड लास्ट ऑप्शन इज बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. द राइट आंसर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज वेजेस. जो ब्लैक डेट है इससे क्या रिजल्ट हुआ, इसका आउटकम क्या हुआ है, तो वो हुआ है आदमी लोग बहुत मरे हैं और वेजेस इंक्रीज हुए हैं. जो लेबर लोग काम करते हैं उनको जो चार्ज दिया जाता है उसका रेट बढ़ गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट ग्रीन हैज बीन कॉल्ड ए पेटेंट इमिटेटर ऑफ विच ऑफ दीज ऑथर्स एंड द ऑप्शन आर थॉमस मूर, फिलिप सिडनी, जॉन लिली, बोथ बी एंड सी. एंड राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी. रॉबर्ट ग्रीन को एक फेमस इमिटेटर कहा जाता है, मतलब फॉलो किया है किसको, कौन से ऑथर्स को उन्होंने फॉलो किया था, तो वो है बी एंड सी, दैट इज फिलिप सिडनी और जॉन लिली. इन दोनों को फॉलो किया था रॉबर्ट ग्रीन ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच नॉवल वाज थॉमस मूर इज द मोस्ट परफेक्ट एम्बोडीमेंट ऑफ ह्यूमनिस्ट रैशनल आइडियाज एंड द ऑप्शन आर यूटोपिया, इमेजेस, द आंसर टू ए पर्सन बुक, इट इज ऑन द ब्लेस्ड बॉडी. एंड द राइट आंसर इज यूटोपिया. थॉमस मूर जी का लिखा हुआ इसमें से कौन सा बुक है जिसमें ह्यूमनिस्ट का रेशनल आइडियाज, इंसानों की रेशनल आइडियाज को प्रकाशित किया है, तो वो है यूटोपिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग इन इंग्लैंड एंड द ऑप्शन आर गैविन डुग्लास, कैक्सटन, हेनरी फाइव, नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज कैक्सटन. तो पूछा है इसमें से कौन है जिसने इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग को एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया था, तो है कैक्सटन जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज गिवन ट्रेड प्रिविलेजेस एंड राइट टू कॉलोनाइज अमेरिका बाय क्वीन एलिजाबेथ वन एंड द ऑप्शन इज जॉन फोर्ड, ह्यूमेंट एंड फ्लेचर, वॉल्टर रेले, रिचर्ड हुकर. एंड द राइट आंसर इज वॉल्टर रेले. तो पूछा गया है कि किसको चांस मिला था कि वो ट्रेड बिजनेस को बढ़ाए, राइट टू कॉलोनाइज अमेरिका, अमेरिका में और लोग को मतलब कॉलोनाइज किया जाए, एंड ऑर्डर वॉज गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ वन. तो किसको दिया था वो, तो चांस मिला था वॉल्टर रेले को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकन्स बुक एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वॉज फर्स्ट पब्लिश इन विच ईयर एंड द ऑप्शन आर 1675, 1632, 1605 एंड 1623. द राइट आंसर इज 1605 में बेकन जी का जो बुक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग फर्स्ट पब्लिश हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ह्यूमनिस्ट राइटर इज बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट टू यूज द टर्म यूटोपिया इन 1516 एंड रोट ए बुक विद द सेम नेम. एंड द ऑप्शन थॉमस मूर, पेट्रार्क, हेनरी एट, इरास्मस. राइट आंसर इज थॉमस मूर. ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पढ़ा था. थॉमस मूर दैट इज किसने एक पोएम किसने बुक लिखा यूटोपिया 1516 में जिसमें ह्यूमनिस्ट राइटर है. ठीक है, उनको ह्यूमनिस्ट राइटर कहा क्योंकि उन्होंने इसमें ह्यूमनिस्ट आइडियाज, रैशनल आइडियाज को एक्सप्रेस किया है यूटोपिया में, इसीलिए इन्हें ह्यूमनिस्ट राइटर कहा गया है.
कौन है? तो वो मूड़ जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंट है, इसमें आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है कि ये कब लिखा गया था, 1516 में। ठीक है, इसमें तीन टॉपिक आपको, तीन पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है। मूड़ जी ने कौन सा लिखा? तो उटोपिया ने लिखा, उटोपिया को लिखा, उटोपिया को किसने लिखा? तो मूड़ जी ने लिखा। अगेन ये उटोपिया कब लिखा गया था? 1516 में लिखा गया। इसमें क्या, इसमें से कौन सा ह्यूमनिस्ट राइटर है? तो मूड़ जी है। ठीक है, इसमें कौन सा व्यू पॉइंट यूज़ किया गया है? तो ह्यूमनिस्ट जैसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया उटोपिया में। तो उटोपिया से रिलेटेड आपको 5-5 पॉइंट्स डिस्कस करने को मिल गया। ठीक है, एंड कोई भी एक पॉइंट को लेकर क्वेश्चन कर देंगे और आपको एग्जाम में आप इजीली आंसर करने सकेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी फाइव पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ओके। इस तरह से हमारे हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बट आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा, देन ओनली आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे विद दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज राइटिंग स्टाइल इज फ्रेश लाइवली एंड सेंस क्लोज टू द मॉडर्न इंग्लिश ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल। ऑप्शन आर हग लेटिमोर, सर थॉमस मैलोरी, जॉन फिशर, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज सर थॉमस मैलोरी। इसका स्टाइल बहुत ही फ्रेश था, लाइवली था, जो मॉडर्न स्टाइल चल रहा है इंग्लिश का, एज ऑफ रिवाइवल का, उस तरह का स्टाइल में लिखते थे। तो कौन थे वो? थॉमस मैलोरी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सोर्स ऑफ थॉमस मैलोरीज वर्क मॉर्टी द आर्थर। एंड द ऑप्शंस आर फ्रेंच, इंग्लिश एडिटेड पोएम, मॉर्टी आर्थर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स थॉमस मैलोरी जी का जो वर्क है मॉर्टी द आर्थर, इसका सोर्स कहाँ से मिला उन्हें? एक तो फ्रेंच से मिला और दूसरा इंग्लिश एडिटेड पोएम मॉर्टी आर्थर से मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस मैलोरीज बुक मॉर्टी द आर्थर इंस्पायर्ड विच ऑफ दिस राइटर्स। ऑप्शन आर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज टेनिसन। मैलोरी जी का जो बुक है मॉर्टी द आर्थर में किसको इंस्पायर किया था? ठीक है, तो वो है टेनिसन जी को बहुत इंस्पिरेशन मिला था इस बुक से, मैलोरी जी के बुक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी एट यूटोपिया इन थॉमस मोर्स नॉवेल आर। एंड द ऑप्शन द एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मॉडरेटेड प्रेशर, यूनिवर्सल लेबर, ऑल ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो यूटोपिया का जो फीचर है सोसाइटी का थॉमस मोर के नॉवल में, इसमें क्या क्या फीचर्स मैंशन किए गए थे? तो सारे के सारे फीचर्स मैंशन किए गए थे। एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाना है, मॉडरेटेड प्रेशर देना है, यूनिवर्सल लेबर, ये सारे के सारे पॉइंट्स यूज किए गए थे यूटोपिया में। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है इसमें ह्यूमनिस्ट रेशनल आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डैश वॉज फर्स्ट यूज बाय मार्क्स एंड एंजल्स टू डिस्क्राइब देयर आइडियल परफेक्ट सोसाइटी। एंड द ऑप्शन आर सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। एंड द राइट आंसर इज यूटोपियन सोशलिज्म। तो कौन सा टर्म यूज किया गया है? तो यूटोपियन सोशलिज्म। किसने यूज़ किया है? तो मार्क्स और एंजल्स ने। क्यों? एक परफेक्ट सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, इसका वर्ड नाम क्या है? यूरोपियन सोशलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमलगेमेशन ऑफ फ्रेंच एंड सैक्सन प्रोड्यूस द डैश लिटरेचर। ऑप्शन आर इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश। राइट आंसर इज इंग्लिश। फ्रेंच और सैक्सन जो दोनों का एमलगेमेशन होता है, मिलन होता है, इससे क्या फॉर्मेशन हुआ? इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम फॉर फैक्ट्री टाउन्स दैट वर बिल्ट नियर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एंड थॉट टू बी एन अटेम्प्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी वाज। एंड ऑप्शन द सेटलमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, मिल टाउन, कैंटन। राइट आंसर इज मिल टाउन। जो कॉमन नेम दिया गया था फैक्ट्री टाउन को जहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा था, ठीक है, अच्छे सोसाइटी होने का, तो वो था मिल टाउन। ठीक है, तो नाम क्या दिया गया था? तो मिल टाउन। ओके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क ट्राइडस एंड क्राइसिड इज बेस्ड ऑन डैश वर्क। एंड द ऑप्शन आर बोकैसियो, डेंटिस, पेट्राक्स, बर्बन्स। द राइट आंसर इज बोकैसियो। द ट्राइडस एंड क्राइसिड जो है ये किस पे बेसिस पे बना हुआ है? तो बोकैसियो के लेखन पे बेसिस होके बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए प्रोज स्टोरी बाय जॉफ्री चॉसर। एंड द ऑप्शन आर पर्सन्स टेल, टेल ऑफ नाइट, टेल ऑफ मेलिवेंस, बोथ ए एंड सी। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। सो द पर्सन्स टेल और मेल ऑफ टेल ऑफ मेलिवेंस, ये दोनों क्या है? प्रोज है, किसका? चॉसर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉसर्स वर्क डैश कंटेन्स पैसेजेस दैट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम डांटे। एंड द ऑप्शन आर कैंटरबरी टेल्स, बुक ऑफ डचेस, लीजेंड ऑफ गुड वुमन, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। द राइट आंसर इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। जो चॉसर जी का जो लीजेंड ऑफ गुड वुमन है, इसमें पैसेजेस इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि टोटली
हमारे डांटे जी से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी रिनेसेंस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम इटाली टू चाइना, इंडिया टू इटाली, इटाली टू यूरोप, इटाली टू फ्रांस। राइट आंसर इज इटाली टू फ्रांस। 15th सेंचुरी में जो रिनेसेंस स्प्रेड हुआ था कहाँ से कहाँ तक हुआ था, इटाली से फ्रांस तक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि ऑलरेडी पीजीसी नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें हमने मेंशन नहीं किया है कौन से ईयर में आया है, ठीक है, बट दीज आर ऑलरेडी आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम, ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आप वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन वगैरह बहुत बार बार देखिएगा ताकि अगर आ जाए तो आप इजीली लिख सकें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस नेशन द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज नरेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर बेन लाइट ए कोस पेपिस्ट, जैक विल्टन एन इंग्लिश पेज, पीटर मैसन ए स्वॉन कॉल्विनिस्ट, फिलिप फॉक्स एन इंग्लिश हाईवेमैन, एंड द राइट आंसर इज जैक विल्टन एन इंग्लिश पेज। तो थॉमस नेशन जी का जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है ये किसने बोला है, तो विल्टन जी ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थॉमस मोर यूटोपिया द रीडर इज टोटल दैट इन दिस न्यू वर्ल्ड देर आर फ्यू मिस्टेक्स इन मैरिज बिकॉज, एंड द ऑप्शन आर दिस इज देर इज एन एक्सटेंसिव कोर्टशिप पीरियड प्रीसीडिंग द एक्चुअल वेडिंग, सेकेंड ऑप्शन इज द फैमिली गॉड्स इन्वॉक्ड बिफोर फाइनलाइजिंग द नुप्शियल्स, थर्ड ऑप्शन इज देर इज अ कम्युनिटी गेट टुगेदर वेयर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ अनाउंस वेडिंग प्लान्स एंडोर्स बाय एल्डर्स, लास्ट ऑप्शन इज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड्स वाइफ्स सी वन अनदर नेगेट बिफोर एग्रीइंग टू द मैच, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Francis Bacon's New Atlantis is about a utopian state called, and the options are Asgard, Avalon, Bensalem, Bensalem, Beltia, and the right answer is Bensalem. So Bacon ji ka jo New Atlantis hai isme utopian state ko kya kaha jata hai, uska naam kya hai, Bensalem, theek hai. Next question is what does the title Morte d'Arthur mean, and the options are Arthur modified, Death of Arthur, Castle of Arthur, Battle of Arthur, and the right answer is डेथ ऑफ आर्थर। तो मोटी द अर्थर में डी का मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ आर्थर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द यूटोपिया इज नॉट ट्रू ऑफ द आइडल स्टेट इन थॉमस मोर्स यूटोपिया, एंड द ऑप्शन आर पर्सनल प्रॉपर्टी, मनी एंड वाइस आर इफेक्टिवली एब्लिश्ड, सेकेंड ऑप्शन इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम एम्बिशन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आर एलिमिनेटेड, थर्ड ऑप्शन इज देयर इज ओनली वन रिलीजन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ए बेनेवोलेंट सुप्रीम बीइंग, लास्ट ऑप्शन इज प्रीस्टहुड which includes some women is limited in number, and the right answer is there is only one religion guided by the principle of benevolent supreme being. So isme se bola hai kaun si baat hai galat hai, not true of the ideal state in Thomas More's utopia, theek hai. Utopia ke bare mein jinka jo ideal state hai usme se kaun si baat hai galat hai, to baki sare ki sari baatein sahi hai, but ye wali jo point hai ye mention nahi ki gayi hai usme, theek hai. Next question is what work begins thus it befell in the days of Uther Pendragon when he was king of all England and so resigned that there was a mighty duke in Cromwell that held war against him long time, and the options are Sir Gawain and the Green Knight, Le Mortier, Confession of Avantes, Pierre's Plowman. The right answer is Le Mortier. So ye jo work jo begin ho raha hai kaun sa book hai jisme ye sari lines mention ki gayi hain, theek hai, isse ye book start hua hai, to wo hai Le Mortier ka, theek hai. Next question is in Thomas More's Utopia which of the following lesser pastimes is not a favorite among utopians, and the options are music, public lectures, conversation, dicing and cards, and the right answer is dicing and cards. So Thomas More ka jo utopia hai isme se jab wo free rehte hain, lesser means free time, theek hai, to free time mein wo log kaun si kaam karte the, favorite unka tha, lekin isme pucha hai not, usme se kaun sa wo nahi karte the, to music, public lecture, conversation ye sab wo log karte the, but कार्ड्स वगैरह नहीं खेलते थे, डाइस वगैरह नहीं करते थे, ठीक है. तो दिस विल बी द राइट आंसर, ओके. और टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज इन मोर्स यूटोपिया द फिक्शनल ट्रेवलर राफेल हाइथ्रोडे सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स, जो राफेल का जो हाइथ्रोडे है इसका दूसरा नाम जो है ग्रीक में क्या मीनिंग है इसका, एंड द ऑप्शन आर डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस, डिस्पेंसर ऑफ ग्रेस, डिस्पेंसर ऑफ मर्सी, एंड द राइट आंसर इज डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस. तो उनका नाम है सेकंड नेम, उसका मीनिंग क्या है, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस, ठीक है. तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये एमसीक्यूज पसंद आया होगा, इम्पॉर्टेंट लगा होगा फॉर योर एग्ज़ाम, एंड हाँ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो जो है शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे,
हर एक बंदे जो कि इंग्लिश लिए हुए हैं उन सब तक हमारा वीडियो पहुंचे और वो इसका फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ठीक है, बस यही आशा है, यही एक इच्छा है। तो आप लोग में हेल्प करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।